हेलो बडी, इट्स योर फ्रेंड एडी। दोस्तों, प्रकृति जितनी सुंदर और वरदान रूपी है, वही प्रकृति से छेड़छाड़ होने पर हमें उसका भयंकर रूप भी देखना पड़ सकता है, जो हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और सुनामी के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल लिविंग पर ध्यान दें, जिसमें प्रकृति का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करें, न कि उसका शोषण। तभी प्रकृति हमें सदा अपना वरदान दे सकती है। दोस्तों, अधिकतर प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के द्वारा किए गए प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन से ही आती है। तो आज हम प्रकृति के ऐसे ही विकराल रूप पे बाढ़ और सुनामी के रूप में देखेंगे।
If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. हेलो बडी, इट्स योर फ्रेंड एडी। दोस्तों, प्रकृति जितनी सुंदर और वरदान रूपी है, वही प्रकृति से छेड़छाड़ होने पर हमें उसका भयंकर रूप भी देखना पड़ सकता है, जो हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और सुनामी के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल लिविंग पर ध्यान दें, जिसमें प्रकृति का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करें, न कि उसका शोषण। तभी प्रकृति हमें सदा अपना वरदान दे सकती है। दोस्तों, अधिकतर प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के द्वारा किए गए प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन से ही आती है। तो आज हम प्रकृति के ऐसे ही विकराल रूप को बाढ़ और सुनामी के रूप में देखेंगे।
If you like this video, please comment, share and subscribe.